जैसे कि uh, हमने प्रीवियस हमारे सेशन्स में हमने बताया है कि बिफोर यू स्टार्ट द प्रोसेस ऑफ रीडेवलपमेंट इट इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट दैट यू इंगेज एन इंडिपेंडेंट आर्किटेक्ट हु गिव यू द फाइनेंशियल फिजिबिलिटी रिपोर्ट सो दैट कैसा होता है कि इसमें आपके पास बिल्डिंग है आपका जो स्ट्रक्चर है आपने कितना एरिया uh, कवर किया है कितना एफएसआई आपके पास था आपने कितना यूटिलाइज किया कितना बाकी है हाउ मच टी डी आर कैन बी लोडेड वॉट इज़ द विथ ऑफ द रोड अराउंड सो ऑल दीज फैक्टर्स में क्या हो जाता है कि यू विल नो वेर यू आर स्टैंडिंग अगर हम एक एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम आपको बताएं कि आप अगर कोई रेस्टोरेंट में जाते हैं और आपको मालूम है कि आपके जेब में हज़ार रुपये हैं तो वो हज़ार रुपये हैं तो आप अगर किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो आप बेधड़क होकर आप ऑर्डर करते हैं बट अगर इफ़ यू टेक द अदर वे राउ अगर आपको मालूम ही नहीं है कि आपके पास जेब में कुछ पैसे हैं तो ऐसे सूरत में आप जब रेस्टोरेंट में जाओगे तो यू विल हेजिटेट कि भाई मैं क्या ऑर्डर करूं? आप मेनू में देखोगे कि उसका प्राइस क्या है तो इट इज़ ऑलवेज़ बेटर कि आप फाइनेंशियल फीजिबिलिटी रिपोर्ट आप पहले इंडिपेंडेंट आर्किटेक्ट को इंगेज करके लीजिए सो दैट यू विल बी इन अ बेटर पोजिशन टू बारगेन विद द डेवलपर और द्रैक्टर बिकॉज बिल्डर आपको कोई चीज़ नहीं देता है सोसाइटी आपकी है प्लॉट आपका है एवरी थिंग इज इट इज यू आर गिविंग हिम अ कॉन्ट्रैक्ट टू डेवलप द प्लॉट एंड गिव यू द फ्लैट्स सो इसमें क्या होता है कि फिजिबिलिटी रिपोर्ट विल गिव यू वॉट इज योर पोटेंशियल टू अंडरस्टैंड यानी अगर आपका 600 सौ स्क्वायर फीट का फ्लैट है तो आपको कितना मिलना चाहिए 800 सौ स्क्वायर फीट मिलना चाहिए दो सौ स्क्वायर फीट मिलना चाहिए देन कॉरपस फंड एंड देन योर ट्रांजिट रेंट एंड देन अ एरिया इज़ डिफाइंड कि भाई ये सेलेबल कम्पोनेट है समझो एक लाख स्क्वायर फीट हम बिल्डर को देंगे और बिल्डर को नॉर्मली हमारी जो भाषा जो रहती है जो नॉर्मल हम जो हिसाब से मैंने देखा हूँ बहुत सारे रिडेवलपमेंट के आते हैं मैटर्स तो वो लोग क्या बोलते हैं कि बिल्डर हमको कितना देगा मतलब दैट इज़ द रॉन्ग क्वेश्चन टू बी आस्क आप बिल्डर को बोलो कि हमको इतना एरिया चाहिए हमारे मेंबर्स को इतना कॉर्पस फंड चाहिए और इतना हमको ट्रांजिट रेंट चाहिए और हम आपको जस्ट फॉर द कैलकुलेशन एक लाख स्क्वायर फीट सेल कंपोनेंट देंगे जिसमें आपको ये सब कॉस्ट कवर करना है और आपकी प्रॉफिट कवर करना है और विद द एम्यूनिटीज़ में हम उसको देंगे कि भाई हमको मिश् मिच्छी की लिफ्ट चाहिए सेलर की लिफ्ट चाहिए टायर्स ले एकदम डिटेल स्पेसिफिकेशन में जाते हैं कि जहाँ पे बिल्डर को कोई कॉर्नर कट कॉर्नर करने का कोई भी मौका नहीं मिलता है तो और उसमें और एक लाइन हम लोग ऐड करते हैं कि अभी जो पॉलिसी है गवर्नमेंट की उसमें आपको एक लाख स्क्वायर फीट मिल रही है सब्सिक्वेंटली अगर नहीं गवर्नमेंट आती है या तो ये गवर्नमेंट जीत के खुश हो जाती है और बोलती कि नहीं हमको वापस इनको न, इन्होंने चुन के लाया है तो हम इनको रिलैक्स करते हैं और बेनिफिट्स देते हैं तो वो एक लाख स्क्वायर फीट के ऊपर जो भी बेनिफिट मिलेगा रिलैक्सेशन के बाद में एक्स्ट्रा एक्सरसाइज हम लोग पच्चीस स्क्वायर फीट पच्चीस हज़ार स्क्वायर फीट मिलती है तो उसका क्या प्रोपोर्शन सोसाइटी को मिलेगा वो भी तय होता है तो ताकि यू हैव द क्लियरिटी इन योर माइंड एंड आप लोग सिर्फ कमेटी मेंबर के ऊपर भरोसा रख के आप ये काम मत करो आप भी खुद इन्वॉल्व हो और उसको समझने की कोशिश करो कि ये रीडेवलपमेंट की प्रक्रिया क्या है और इसमें मेरा इंटरेस्ट जो है क्योंकि मेरा घर है मेरी प्रॉपर्टी है आज कोई भी मैं समझता हूँ प्रॉपर्टी एक करोड़ के नीचे नहीं है अगर आप बोरीवली से लेके कर तक भी करोगे तो एक एक फ्लैट की कीमत मिनिमम एक करोड़ है थोड़ा बड़ा होगा तो दो करोड़ तीन करोड़ पाँच करोड़ दस करोड़ तक का प्रॉपर्टी का फ्लैट का वैल्यू हो जाता है इट इज योर हार्ड अर्न मनी सो इट इज माई मनी एंड आई एम गिविंग इट टू द डेवलपर तो ये एक नज़रिया है दूसरा नज़रिया देखने का ये है कि एक मैं एग्जाम्पल देता हूँ सिक्सटी मेम्बर्स की बिल्डिंग है मैंड्रा के अंदर तो बिल्डर वो रीडेवलपमेंट में अक्वायर करता है राइट तो पहले आपको क्या देगा वो चलो वो आपका अगर दस लाख रुपया कॉर्पस फंड है तो बोलेगा पहले मैं दो लाख रूपया आपको देता हूँ एक लाख रुपया रेंट है तो बोलेगा एक साल का मैं एडवांस आपको देता हूँ बारह लाख रुपया तो सिक्सटी इन ट्वेल्व लैक्स कितना होता है सात करोड़ बीस लाख रुपए और उसने आपको दो दो लाख रुपया दे दिया चौबीस लाख दूसरे पकड़ लो प्लस वो सीसी -सी लाने के लिए जो प्रीमियम भरेगा आईओडी लाने के लिए जो प्रीमियम भरेगा उसके आप दो तीन करोड़ पकड़ लो तो 10 करोड़ के अंदर वो आपका पूरा लैंड प्रॉपर्टी ले लेता है जबकि उसकी कीमत क्या है अगर वो फ्लैट की अगर वहाँ पे चार करोड़ रुपया भी पकड़ता हूँ तो 240 करोड़ रुपये की प्रॉपर्टी आप सिर्फ उसको 10 करोड़ में दे रहे हो तो ये कैलकुलेशन कोई नहीं करता है कि आज की तारीख में अगर बिल्डर को वो वैकेंट पोजिशन में अगर वो रीडेवलपमेंट करेगा करेगा कंस्ट्रक्शन तो उसको एक एक को चार चार करोड़ रुपया दे के खाली करना पड़ेगा तब वो जाके वो प्लॉट मिलेगा तो आप वो 240 करोड़ की प्रॉपर्टी बिल्डर को डेवलपमेंट एग्रीमेंट में सिर्फ 10 करोड़ में दे रहे हो तो यू आर डूइंग अ फेवर टू द बिल्डर बिल्डर इज नॉट डूइंग यू एनी फेवर तो ये आपको बहुत ध्यान में रखना है और सेकेंड चीज ऐसा है कि बिल्डर अपनी जेब से ज्यादा पैसा नहीं लगाता है द मोमेंट वो आईओडी मिलता है

और इनिशियल स्टेज में अगर सिर्फ दस करोड़ रुपया चाहिए उनको टू किक स्टार्ट द प्रोजेक्ट देन ही कैन वेरी कंफर्टेबली मैनेज दैट इज इजीली मैनेजेबल देन एक बार आईओ मिलने के बाद मैं आपने पी ट्रिपल ए अग्रीमेंट साइन कर लिया और जगह वेकेट कर दिया बिल्डर ने वो बिल्डिंग डिमोलिश कर दिया और वो आगे फ्यूचर में पैसा जनरेट नहीं कर पाता है तो वो कंस्ट्रक्शन भी नहीं कर पा रहा है और आपको एक साल के बाद में रेंट भी नहीं दे पा रहा है तो यू हैव टू सी The history of the developer before you step in into the signing of the development. So, if simple language, what is redevelopment and which properties can be redeveloped? Redevelopment is a process of reconstruction of a residential or a commercial premises. In the process the existing building is demolished and a new one is constructed after the appropriate approvals are obtained from the planning authority. For buildings situated in Mumbai, such authority would be MCGM or any other designated special planning authority like MMRDA, SSRE in consideration of redevelopment rights the existing members of the society along with several other benefits also receive new flats in the redeveloped building of an area usually more than the area of their existing flats the following buildings are generally redeveloped the buildings that are very old and require repairs and renovation every 5 years in such a circumstances the cost of repairs is high and such building must undergo redevelopment if the society has Unutilized FSI such as unutilized FSI can be consumed by the society for development of their existing building. ऑफ uh, यहाँ पे uh, बहुत सारे लोग ने ये भी कहा है मुझे और uh, बहुत सारे क्वेरीज आते हैं कि अगर uh, पगड़ी का अगर बिल्डिंग हो तो ऐसे सिटुएशन में हाउ टू गो अबाउट द रिडेवलपमेंट पगड़ी का बिल्डिंग है तो लैंड इज अ रियल लॉर्ड you cannot do anything because I mean, recently jeeves a judgment before he retired that the tenant have no say in the redevelopment. so whatever the landlord decides, you have to abide by them. there is no other way out. what are the different modes of uh, redevelopment through which the society may carry out the redevelopment? if the society decides to go ahead with the redevelopment, it can do by

सेकेंडली दे विल नो दैट द पोजेशन को कितने टाइम फ्रेम के अंदर मिले एंड वॉट एवर द सेम कम्पोनेंट है जब वो बिकता है तो दैट मनी कम्स बैक टू द सोसाइटी इन अर्न इट कम्स बैक टू देंबर्स सो सेल्फ डेवलपमेंट के फ़ायदे बहुत है यू कैन गेट गुड क्वालिटी कंस्ट्रक्शन यू कैन गेट मोर एरिया मोर कॉरपोर्स फंड एंड एवरी थिंग इज अंडर कंट्रोल the society can take up and finance the project themselves by appointing a contractor for reconstruction of their building the member of the society shall acquire new flats in lieu of their existing flats as agreed between themselves society can grant the development rights to the developer and arrangement is entered between the society and the developer whereby the society grants to the developer the redevelopment rights accordingly the developer shall construct the building of the society and provide the members with premises in new building in lieu of the existing places as per the terms of their respective agreement the builder gets the outright sale to whatever the area is decided the developer purchases the premises from each member for a consideration and redevelops the building in such a case the society is dissolved and the members now here we come with a new concept which i already discussed that suppose the builder wants to take outright sale so the developer purchases the premises from each of the member for a consideration and redevelops the building in such a case the society is dissolved and the members thereof shall not receive any premises in the new building because he has already paid you you have taken the money and you have purchased your flooding some other building so this is one way वेर यू आर वेरी सेफ कि भाई मेरा चार करोड़ का फ्लैट है मेरे को तीन अस्सी मिला या चार बीस मिला मैंने पैसा लिया और कहीं इन्वेस्ट किया और वहाँ कहीं पे रहने गया फिर बिल्डर दो साल के बाद बनाता है या बीस साल के बाद बनाता है यू आर नॉट बॉडर्ड अवॉर्ड इट बट यहाँ पर यू हैेशन यूर यू नीड टू बी स्ट्रीट स्मार्ट कि आप जो बिल्डर आपको जो ऑफर कर रहा है और जो आपको मिलना चाहिए वो आपको उस पर थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी या yeah. because ultimately uh, the builder is going to benefit more so accordingly matlab utna members what is a cluster redevelopment redevelop uh, scheme this cluster development scheme is known as cds it means any scheme for a redevelopment of a cluster of buildings and structures over a minimum area of 4000 square meters in the island city of mumbai and 6000 square meters in the mumbai suburbs so from Kolaba to Mahim, it is four thousand square meters for cluster redevelopment and from Mahim, it means from Bendra onwards to Borivali, six thousand square meters so that you know the extended suburbs bounded by existing distinguishing physical boundaries such as roads, nalas, railways, lines, etc. 339 of the DCPR sets out the detailed 33.9 of DCPR sets out the detailed provision of the same. Yani DCPR ka jo hai, there are 33.7, 33.5, 33.10, 33.9 is for cluster redevelopment, and you get a lot of benefits. So, you need a very experienced architect, and he can, you know, work out wonders for you. You can get more areas, more amenities, and more corpus fund. What are the advantages of redevelopment? See there are numerous advantages. Redeveloping a building may be beneficial to the society and members thereof in the following manner structural repair is not economical and feasible and repairing the old building is only a temporary solution as these buildings need extensive repairs and renovation. repairs and renovation are an added financial burden and also a threat to life of the members of the society due to lack of funds and technical expertise. the redevelopment is a viable option. additional area will be received as compensation from the developer. the developer is also likely to offer consideration in the form of corpus funds to

तो आप उसमें कितना भी रिपेयर कर लें बट दैट थिंग विल बी देयर के वो आपके लीकेजेस और इस चीज़ को टैकल नहीं कर पाएगा कर पाएगा बट so, अगर आप रीडेवलपमेंट या सेल्फ रीडेवलपमेंट में जाते हैं तो आपको एक तो नई बिल्डिंग मिलती है आपको सारे फैसिलिटीज, एमूनिटीज़ मिलते हैं और आपका जो फ्लैट है उसका वैल्यू बढ़ता है आपके प्लॉट का वैल्यू बढ़ता है विच कैन बी वेरी बेनिफिशियल इन द लेटेस्ट स्टेज अगर आप उसको डिस्पोज ऑफ करना चाहते हैं एंड यहाँ पे क्या होगा कि जब नई बिल्डिंग होगी तो जितने भी आपके जो इशूज़ हैं लीकेजेस हैं जो भी है दैट विल yeah, भी टेकिन केयर ऑफ इन टोटेलिटी द रीडेवलपमेंट नॉबिक क्या होता है कि अगर आप रीडेवलपमेंट में नहीं जाते हो